देश में चल रहा है लॉकडाउन, ठप पड़े हैं सारे कारोबार, सारे काम, सब इंसान अपने घरों के अंदर बैठ के कर रहे हैं आराम। पर फ्रॉडिस्टर्स के लिए ना कोई समय होता है और ना चोरी करने का कोई मुहूर्त, चाहे लॉकडाउन हो चाहे देश नॉर्मली चल रहा हो। इस समय आरबीआई ने ऐलान किया है कि देश में 3 महीने के लिए ईएमआईस के लिए मॉरेटोरियम रहेगा, मतलब कि ईएमआई पे करने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी, बैंक आप सभी को छूट देंगी। इसका फायदा उठाते फ्रॉडस्टर कैसे चाल चल रहे हैं, आइए इस वीडियो में क्लियरली आप सभी को बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुफ्त उठाते रहें। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। आरबीआई मॉरेटोरियम स्कीम 2020 के हिसाब से कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते जो लोगों को 1 मार्च से लेकर 31 मई तक पे करना था किसी भी प्रकार का ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल, उन लोग को अब राहत मिलेगी। कोई जबरदस्ती नहीं है पैसे पे करने के लिए, बैंक से तगादा नहीं आएगा। इस पर कुछ बैंक भड़के भी हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कमा नहीं पा रहे हैं तो उनको तो ठीक है, न पे करने दो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसे इस समय कमा ले रहे हैं, उनके बिजनेस पे प्रभाव नहीं पड़ा है, उनकी सैलरी आ रही है, तो उनको क्यों मॉरेटोरियम स्कीम के अंदर इस समय डाला जा रहा है। खैर ये बात तो दूसरी है, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉडस्टर्स की। तो फ्रॉडस्टर्स ने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं बैंक को इस समय और बैंक कॉल कर रहा है लोगों को ईएमआईस के मॉरेटोरियम स्कीम के बारे में, तो फ्रॉडस्टर्स भी यही केस उठा रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर दोस्तों 21 केसेस रजिस्टर हुए हैं केवल दिल्ली के साइबर सिक्योरिटी सेल में, जिसमें कि ये चोर डकैत आपसे कहते हैं कि मॉरेटोरियम स्कीम के तहत अगर आपको अपना ईएमआई रोकना है तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा, आपको तुरंत ऑनलाइन एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म में आपके पर्सनल डिटेल्स को लिया जाएगा और कंफर्मेशन के लिए वही पुराना प्रोसेस, आपका ओटीपी लेंगे और ओटीपी बताते ही पैसे गायब। अच्छा मैं ये बार बार क्यों बताता हूं, क्योंकि पैसे आपके खाते से निकालने का तरीका एक ही है, आपका ओटीपी या पिन लेना, लेकिन दोस्तों कैसे वो माहौल बनाते हैं कि आपसे ओटीपी पिन ले लें, ये हर बार वो बदल देते हैं। इस बार कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन का माहौल बना है देश में दोस्तों, उसमें इन लोग को वरीयता मिल रही है, उसमें ये लोग लोगों को बेवकूफ बना ले रहे हैं, लोग भी घबराए हुए हैं, ईएमआई न भरने के लिए ये कदम उठा ले रहे हैं। आप लोग प्लीज सेफ रहिए, ऐसे बातों में ना आइए, बैंक को पहले वेरीफाई करिए या फिर बैंक की तरफ से कॉल आपको ना आए, आप खुद बैंक को कॉल कीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसी चीज पे ट्रस्ट करिए। बाकी हमारे वीडियोस देखते रहिए, आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, जय हिंद जय भारत।